हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। एंड आज हम क्लास 11 का स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से स्टूडेंट्स टॉपिक को खत्म करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश अप करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऊपर कुछ टर्म्स दी गई है, वो लोग आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर वीडियोज देखी होंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगी। मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगी, अगर और अच्छे से पढ़ना था माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो देख सकते हैं। तो देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर से, ठीक है स्टूडेंट? तो कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है, ऐसे पर्सन जो कि अपनी जरूरत के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर लेता है, तो उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर। कंजम्पशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे यूजिंग अ यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर यूज किया जाता है यूटिलिटी वैल्यू को, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, उसी को ही हम कंजम्पशन बोलते हैं। नंबर थ्री, प्रोड्यूसर कौन होता है स्टूडेंट्स? तो प्रोड्यूसर का जो मतलब होता है बेसिकली वो ये होता है, वन हु प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो गुड्स को बनाए या फिर उसको बेचे, गुड्स को या सर्विसेज को सेल कर दे, उसी को ही प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है? यानी कि जो रॉ मटेरियल से जब हमारा जो गुड है वो फिनिश प्रोडक्ट में बदल जाए, उसी को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रोडक्शन कहते हैं। ये भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में बताया था मैंने आप लोगों को। फिर उसके बाद आता है सेविंग्स क्या होता है। सेविंग तो बहुत ही आसान है। अगर कोई पर्सन जो है महीने के 5,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, जिसमें से 2,000 रुपए उसने खर्च कर दिए और 3,000 उसके पास बच गए, वही उसकी क्या है? सेविंग है, जो कि उसने कंज्यूम नहीं किया। ओके, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये प्रोड्यूसर जो है खर्च करता है कुछ एसेट्स के ऊपर जिससे इनकम जनरेट होती है, ठीक है? जैसे फिक्स एसेट ले लीजिए, प्लांट हो गया, मशीनरी, इस तरीके से, तो वह इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, ये सारी एक्टिविटीज कौन सी है स्टूडेंट्स? ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंज्यूमर कंज्यूम करने में बिजी है, प्रोड्यूसर जो है गुड्स को प्रोड्यूस करने में बिजी है, तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, वही हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसका मोटिव क्या है आप लोगों को पता ही है। इकोनॉमिक्स की डिफाइन हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, सारे इकोनॉमिक्स की डिफाइन अलग अलग होती है, मेरे को जो छोटी सी लगी आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, अल्फर्ड मार्शल ने दिया है, तो ये याद कर लेना, बहुत छोटी सी है, ठीक है? और डिटेल में अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, मतलब और डिटेल की डिफाइन, तो वहाँ वीडियो बनी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफओपी क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार तरीके के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है? देखो, लैंड से रेंट होता है, लेबर को वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट आता है, ठीक है? ये सारी चीजें का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इन फैक्टर से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, स्टैटिस्टिक क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखो स्टैटिस्टिक क्या होता है, आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी पिछली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि स्टैटिस्टिक क्या होता है। स्टैटिस्टिक बोले तो कुछ नंबर की फॉर्म में लिख दो, जैसे मैं बोलूँ अ काउ हैज 4 लैग, एक गाँव जो काउ है यानी गाय की 4 टांगे हैं, ठीक है? ये एक नंबर की फॉर्म में था, 4 लैक्स की बात है, न्यूमेरिकली है, तो क्या है? स्टैट्स है, तो ये स्टैट्स नहीं है स्टूडेंट्स। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में पूछे तो स्टैट्स का मींस जो होता है वो बेसिकली, अब आपको समझ में आएगा क्या होता है। देखो स्टैटिस्टिक दो तरीके से डिफाइन होती है, एक होता है प्लूरल नाउन और दूसरा होता है सिंगुलर नाउन, ठीक है? आप लोगों को बस दो चीजें याद रखनी है, उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक के मीनिंग को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कुछ ऐसा है ही नहीं इसमें। आपको बस याद रखना है एग्रीगेट, एवरेज और मेथड, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको स्टैटिस्टिक मिलेगा। वो कैसे मिलेगा देखिए, कोई भी आपको अगर स्टेटमेंट दिए उसमें अगर आपको एग्रीगेट नजर आ रहा है, मतलब टोटल नजर आ रहा है, एवरेज भी नजर आ रहा है और मेथड्स देखने को मिल रहे हैं कि आप इस चीज को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो आपका स्टैटिस्टिक है, ठीक है ना? जैसे कि अब आप स्टैटिस्टिक के डिफाइन को समझते हैं, स्टैटिस्टिक आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है जो नंबर की फॉर्म में दिखाया जाता है, और ये इंक्वायरी होती है डिपार्टमेंट की, किसी भी डिपार्टमेंट की आप इंक्वायरी कर सकते हैं, इन प्लेस रिलेशन टू ईच अदर, उसका रिलेशन भी दूसरे के साथ होना चाहिए, वो हमारा स्टैटिस्टिक है एज अ प्लूरल नाउन। जैसे इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने बोला काउ हैज 4 लैक, ये स्टैट्स है, ये स्टैट्स नहीं है, सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट बता दी कि काउ की 4 लैक्स होती है, ये कोई स्टैट्स नहीं है, नंबर की फॉर्म में है बट एक्चुअल में ना तो इसमें एग्रीगेट है ना इसमें एवरेज है, ठीक है? तो ये स्टैट्स नहीं है। तो स्टैट्स क्या है उसका एग्जांपल देखो,
तो वो होता है पॉकेट मनी ऑफ क्लास 11th. क्लास 11th के जो पॉकेट मनी है स्टूडेंट्स की, एवरेज जो पॉकेट मनी है वो ₹500 है, ठीक है. और अगर मैं बात करूं क्लास 12th की जो एवरेज पॉकेट मनी है वो है ₹700. यानी कि मैंने इसके अंदर दोनों की बात कर ली, किस किस की. एक तो मैंने एग्रीड यानी टोटल बताया आप लोगों को, एवरेज बता दिया ना, एवरेज का मतलब पूरी क्लास ही आ गई उसके अंदर, और साथ में एवरेज भी बता दिया आप लोगों को कि किसका कितना कितना है. जब मैं उसको टोटल करूंगी, एवरेज निकालूंगी जो आप लोगों ने नीट में निकाला होगा, दैट मीन्स दोनों की बात हो गई यहाँ पे. दैट मीन्स ये मेरा स्टैट्स है. तो आपको उस डे फाइन देना, कोई भी स्टेटमेंट आपसे अगर पूछता है ये स्टैट्स है या नहीं, आप बस उसके अंदर एग्रीड एवरेज चेक कर लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा वो स्टैट्स है या नहीं. ओके फाइन, समझ गए यार, आई होप. फीचर्स जल्दी से कवर करते हैं. नंबर वन, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट मतलब टोटल होना चाहिए. अगर मैं बोलू कि 1000 स्टूडेंट्स है, ये स्टैट्स है, नंबर की फॉर्म में तो है, लेकिन कौन सी क्लास के कौन सा स्कूल है कुछ नहीं पता. लेकिन अगर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूं कि 1000 स्टूडेंट हैं क्लास 11th के, जिसमें से 300 स्टूडेंट्स आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, 400 स्टूडेंट्स के पास साइंस है, एंड 300 स्टूडेंट कॉमर्स वाले हैं, तो अब आपके पास दोनों चीजों की इन्फॉर्मेशन है. एक तो आपको एग्रीगेट पता चला, टोटल पता चला, एवरेज पता चला, वो आप लोगों का एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो गया. ओके फाइन, अब आप समझ गए. नंबर टू, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, नंबर्स की फॉर्म में तो होना ही चाहिए, ठीक है. जैसे कि राम इज 6 feet and 2 inches, कि राम की जो हाइट है वो 6 feet 2 inches है, एंड मोहन की जो हाइट है वो 5 feet and 4 inches है. दैट मीन्स मैंने दो स्टूडेंट की दोनों की हाइट की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है. वो मेरा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस है और दोनों की हाइट है, तो कंपेरिजन करना भी ईजी है, तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस. नंबर थ्री, रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए. वो कैसे होगी, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर स्टूडेंट्स की. आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है, जो एक्सपर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन किस एरिया की कर रहा है, लार्ज है या स्मॉल है, ठीक है, या मीडियम है, किस तरीके से कर रहा है, तभी उसी के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी आएगी, ठीक है. ओके. नंबर फोर, कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर. सिस्टमैटिक मैनर का मतलब है कि जो स्टैटिस्टिक है उसका फीचर ही यही है कि आपको जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं वो सिस्टमैटिक मैनर में आप लोगों को कलेक्ट करना है. कैसे कलेक्ट करना, अकॉर्डिंग टू द प्लान. अकॉर्डिंग टू द प्लान का मतलब है ये नहीं कि जब भी किसी का मन किया उसने सर्वे कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता. बेसिकली उसके पीछे रीजन होना चाहिए, पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, तो ही वो सिस्टमैटिक मैनर में काउंट हो जाएगा. आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे. अब जल्दी से हम लोग सिंगुलर स्टैटिस्टिक को भी समझ लेते हैं. सिंगुलर स्टैटिस्टिक की डिफाइन थोड़ी डिफर है. वो है स्टैटिस्टिक में भी डिफाइन एज कलेक्शन, पहले डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको प्रेजेंट कर देना. किस फॉर्म में, टेली बार्स बना के उसको कलेक्ट मतलब शो कर दिया, प्रेजेंटेशन में ग्राफ्स बना दिए, एनालाइज करना, ठीक है, फिर इंटरप्रिटेशन करना न्यूमेरिकल डेटा का, ठीक है. अगर आपको समझ नहीं आया तो नीचे मैंने पूरा लिखा हुआ है कि इन टर्म्स में क्या क्या आता है, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. देखो कलेक्शन में आ जाता है कि आपको कौन से मेथड से डेटा को कलेक्ट करना है. दो मेथड्स होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के, एक होता है सेंसस मेथड, एक होता है सैंपल मेथड. सेंसस में क्या होता है कि एक एक चीज की स्टडी करना, जैसे पूरे होल यूनिवर्स की स्टडी करना. देखो पूरे होल यूनिवर्स की तो कैसे स्टडी होगी, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि क्लास के अंदर अगर मेरे को ये पता लगाना है, एक क्लास है जिसके अंदर 50 स्टूडेंट्स बैठे और मैं एक एक स्टूडेंट का पॉकेट मनी पूछती हूँ, तो वो मेरा सेंसस मेथड है. मतलब मैं एक एक चीज की स्टडी करूँ, वो सेंसस मेथड होता है. सैंपल में क्या होता है, एक एक की स्टडी नहीं होती. उन्हीं जैसे अगर उसी क्लास की, अगर 11th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करूँ, जिसमें क्लास में 50 स्टूडेंट है और मैंने सिर्फ 10 बच्चों को रेंडमली पूछ लिया आप लोगों की पॉकेट मनी क्या है, और एक लिस्ट बना के 50 स्टूडेंट की खुद से ही तैयार करी, 10 का पूछा, बाकी 40 स्टूडेंट का खुद ही मैंने अज्यूम करके लगा दिया. यानी कि मैंने कुछ का पूछा था, बाकी का खुद ही एवरेज लगा दिया, उसी का बोलता है सैंपल मेथड. छोटी सी ट्रिक से समझ लो, क्या होता है सेंसस में एक एक स्टडी आप लोग लिख लीजिए, और सैंपल में क्या होता है, एक एक स्टडी नहीं होती, कुछ सैंपल से याद रखना, कुछ सैंपल्स, यानी कि कुछ ही सैंपल्स लिए जाएंगे, उसके बाद खुद ही एवरेज लगा दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं कलेक्शन बनाना. दो तरीके से है, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन पे, ठीक है, एरिया पे भी डिपेंड करता है कि लार्ज है स्मॉल, उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई होता है सेंसस या सैंपल. दूसरा था ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टैली बार्स बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बना भी रखे हैं. जैसे अगर मुझे 10 लिखना है तो देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ. 10 के लिए जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये टैली बार्स थे जो कि आप लोगों ने बहुत पहले बनाए भी होंगे. तो वही है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पहले डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको शॉर्ट में दिखाने के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने टैली बार्स बना दिए,
डेटा को प्रेजेंट करने के लिए आपने ग्राफ डायग्राम टेबल का यूज कर लिया, उससे थोड़ा इजी हो जाता है, कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है, एनालाइज में परसेंटेज निकाल ली, एवरेजेस निकाल ली, ठीक है, और भी उसमें एनालाइज हो जाता है कि चीजें पहले कैसे थी अब कैसी हैं, तो कंपैरिजन करना बहुत आसान होगा। इंटरप्रिटेशन में आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज। आई होप स्टूडेंट आप ये समझ गए होंगे सिंगुलर स्टैटिस्टिक क्या होता है। अब एक छोटी सी टर्म से जल्दी से इसको क्लियर कर लेते हैं कि स्टैटिस्टिक एक्चुअल में क्या था। दोनों को तीनों को मैंने यहाँ पर तभी लिख दिया था, आई होप आप समझ गए। पहले एग्रीगेट और एवरेजेस हमने सिंगुलर में पढ़ लिया, सॉरी प्लूरल में पढ़ लिया स्टूडेंट्स। प्लूरल नाउन में हमने एग्रीगेट और एवरेज देख लिया, उसके बाद जो हमने स्टैटिस्टिक सिंगुलर में हमने मेथड्स देख लिए कि कौन कौन से मेथड में क्या क्या काम होता है। तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा स्टैटिस्टिक बनके रेडी हो जाएगा। अब जल्दी से लिमिटेशंस को समझते हैं क्या है। जल्दी से चार लिखे हैं मैंने, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली, ये कुछ बुराइयां हैं हमारी स्टैटिस्टिक की। वो क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट को लेता है और किसी चीज को नहीं लेता, फीलिंग इमोशन ऑनेस्टी फ्रेंडशिप इन सबको इग्नोर करता है हमारा स्टैटिस्टिक। नंबर टू, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, सिर्फ एग्रीगेट मतलब टोटल को लेता है, किसी एक इंडिविजुअल से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टैटिस्टिक को, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि एग्जांपल में भी देखा। नहीं तो एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि मैंने डॉक्टर का लिया है, एक हॉस्पिटल के अंदर जो एक डॉक्टर की अगर सैलरी में बोलो 50,000 है, तो ये क्या स्टैट्स में नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये बुराई ही है स्टैटिस्टिक की। वो सिर्फ एक पर्सन की बात करना ही नहीं चाहता, वो एग्रीगेट की बात करना चाहता है, एवरेज की बात करना चाहता है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि पूरी कंट्री में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी जो एवरेज जो सैलरी है वो अगर मैं बता दूं तो वो मेरी स्टडी ऑफ एग्रीगेट हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा। नंबर थ्री, कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट। जो हमारा स्टैटिस्टिक है वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू यूज किया जाना चाहिए, एक्सपर्ट के थ्रू, जो कि अच्छे से एक्सपर्ट है। अब आप सोचेंगे एक्सपर्ट क्यों, अगर मैं किसी को भी बोलूं कि आगे सर्वे करना है और कंक्लूजन निकालना है तो डेफिनेटली सबका सब गलत हो जाएगा, क्योंकि उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपने खुद देखा कहां हम लोग सोचते थे कि स्टैटिस्टिक क्या है, नंबर की टर्म में होता है वो स्टैट्स है, बट अभी हमने इतनी सारी चीजें पढ़ के समझ लिया कि एक्चुअल में स्टैट्स है क्या। तो आप सोचो कि जिनको कंक्लूजन निकालना है, इतनी सारी चीजें स्टडी उसने पढ़ रखी होंगी एक्सपर्ट ने, तभी वो इतनी सारी चीजों का कंक्लूजन निकाल पाएगा, और वो भी एग्रीगेट लेवल पे निकालना है, ठीक है, तो एक्सपर्ट के थ्रू निकाला जाएगा, ठीक है, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उनके पास। नंबर फोर एंड लास्ट, प्रोन टू मिसयूज। देखो मिसयूज हो जाता है इसका कैसे हो जाता है, अगर पहले से ही प्री ड्रॉन कंक्लूजन यानी पहले से ही अगर डेटा कलेक्ट करके रख लिया तो हमेशा वो फॉल्स ही होगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले वर्क में और अब के काम में जो हम लोग करेंगे, जब एक्चुअल स्टडी करेंगे तो कुछ और ही रिजल्ट्स निकलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा टॉपिक वजह जल्दी से कवर करते हैं, चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो जल्दी से स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक दो टाइप से है, यानी स्टैटिस्टिक साइंस भी होती है, स्टैटिस्टिक आर्ट भी होती है। साइंस क्यों होती है स्टूडेंट्स, तो साइंस इसलिए होती है क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा को एक्सप्रेस करती है। किस फॉर्म में करती है, इन साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर में लेती है, क्योंकि अभी हमने जितना कुछ भी स्टडी किया आपने खुद ब खुद देखा कि हमने फीचर्स में भी क्या पढ़ा था कि जो भी डेटा लेगी वो सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर में लेती है, इसलिए हमारी ये साइंस जो है वो स्टैटिस्टिक जो है वो साइंस है। स्टैटिस्टिक आर्ट भी होती है, आर्ट इसलिए होती है क्योंकि ये थ्योरेटिकल पे काम करती है और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी दिखाती है। वो कैसे कि अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की इंडिया की, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, ठीक है, वो हमारा क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है, और ये रियल लाइफ में हम लोग देखते भी हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम भी है अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के लिए, वो हमारी इसलिए आर्ट है, यानी स्टैटिस्टिक आर्ट भी है। तो दोनों होती है, बोथ साइंस और आर्ट। ओके, फिर हम एक छोटे से डिफरेंस को मैंने यहाँ पे बना के लिखा है, ठीक है, तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फरेंटिव स्टैटिस्टिक क्या होते हैं। बहुत ही स्टूडेंट सिंपल है, मैंने शॉर्ट में आप लोगों के लिए लिख दिया है यहाँ पर, अगर आपको यहाँ से क्लैरिफाई नहीं हो रहा तो मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको जो है बता दूंगी और नोट्स पे आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिटेल में स्टडी होती है, जैसे कलेक्शन करना, डेटा को प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, वो भी हमने डिटेल में तो समझा, यानी एक एक चीज की स्टडी कर रहे हैं, फिर उसके मेथड के अकॉर्डिंग उसको कलेक्ट करा, फिर प्रेजेंट, फिर एनालाइज किया हम लोगों ने। जैसे इसका एग्जांपल हो गया हाइट ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट इन योर स्कूल। स्कूल के अंदर अगर हमने डेटा कलेक्ट किया है, हाइट जो है स्टूडेंट्स की जो है वो उस पर स्टडी किया है कि हाइट निकाली है सेकेंडरी स्टूडेंट की,
ठीक है, तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, डिटेल में स्टडी करी है, फिर उसको कलेक्ट, फिर प्रेजेंट, फिर एनालाइज किया, वो तो हो गया डिस्क्रिप्टिव। फिर इन्फ्रेंटल क्या होता है, इन्फ्रेंटल को आप एज अ सैंपल भी समझ सकते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी करना जिसके बेसिस पर गिवन सैंपल। पॉपुलेशन तो आप लोगों को पता है, पॉपुलेशन कुछ भी हो सकती है, यूनिवर्स भी हो सकता है, जैसे कि क्लास का एग्जांपल ले लो, ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका ले लो, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने एक एक चीज की स्टडी नहीं हो रही, यहाँ पर जो सैंपल्स प्रोवाइडेड है उसी के बिहाफ पे ही हम कुछ कंक्लूजन निकाल देते हैं, सैंपल के बिहाफ पे उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे क्लास एक क्लास टीचर है 11th की, ठीक है, कॉमर्स की, जिन्होंने क्या किया, एवरेज हाइट को एस्टिमेट कर लिया, कुछ का कुछ सैंपल उनको गिवन थे, बाकी का उन्होंने खुद ही अज्यूम करके लगा दिया, तो वो क्या है, इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक है। आई होप आपको ये समझ आ गया मीनिंग विद एग्जांपल्स। लास्ट टॉपिक कवर करेंगे हम, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, और चैप्टर खत्म कर देंगे। चार लिखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, सफिशियंट रहेंगे। पहला है इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग, ये क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, नाम से भी क्लियर है, फ्यूचर की कुछ बात हो रही है। देखो ये सारी चीज की स्टडी कौन करेगा, हम लोग तो करने वाले हैं नहीं, एक्सपर्ट ही करेंगे। तो आप इसको ना एक्सपर्ट वर्ड से अगर समझेंगे ना तो ज्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए आपके इंपॉर्टेंस समझना। देखो इंपॉर्टेंस क्या होती है, पहले तो मैं ये बता दूं, इंपॉर्टेंस मतलब क्या महत्व है, क्यों पढ़ाया जा रहा है स्टैटिस्टिक, कहाँ पे काम आएगा, काम आएगा कि भी नहीं आएगा, बस ऐसे रट्टा लगा के बोल दे कि चलो ठीक है चार पॉइंट में रट लो, नहीं, रटना नहीं है। बेसिकली इसके मीनिंग को अगर हमने समझ लिया कि स्टैटिस्टिक सच में एक्चुअल में उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, एग्जिस्ट करती है, तभी तो हमें पढ़ाई करनी है। अगर ये पढ़ने के बाद अपने आप समझ आ जाएगा कहाँ का वर्क करेगी। इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग में क्या होता है, जो भी एक्सपर्ट होते हैं जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे कुछ प्रेडिक्शंस लगाते हैं एक्सपर्ट, जैसे कि कोई एक्सपर्ट है वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनके वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं हर चीज को लेके, कि जैसे कि प्राइसेस है, अगर किसी भी गुड्स का आप देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, हर चीज का जब भी बजट आता है मोस्टली चीजों का प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है, तो एक्सपर्ट भी जो होते हैं स्टैटिस्टिक के किसी भी गुड्स को लेके, तो कहते हैं कि आने वाले समय में प्राइस बढ़ेगा, मतलब एक एस्टिमेशन प्रेडिक्शन लगा लेते हैं, एक्चुअल में सही है या नहीं है, कितना बढ़ेगा कितना कम होगा वो नहीं बताएंगे, बट प्रिडिक्शन लगा ली जाती है कि बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये कौन लगाता है, एक्सपर्ट लगाता है, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने पूरी स्टैटिस्टिक की स्टडी करी हुई है, ठीक है। तो अगर पहले से ही प्राइसेस किसी भी गुड्स के बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो आगे भी फ्यूचर में ही बढ़ते ही रहेंगे, तो प्रिडिक्शन लगा ली जाती है एक्सपर्ट के थ्रू, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग, ओके। नंबर टू, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो सो यू डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है, इसमें भी एक्सपर्ट की बात हो रही है, एक्सपर्ट जो होते हैं फाइंड आउट दे, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी भी चीज का जब प्राइस बढ़ता है ना, तो डेफिनेटली डिमांड बड़ी कम हो जाती है, क्योंकि कंज्यूमर को, आपको पता है कंज्यूमर का क्या फायदा है, कि जहां पे प्राइस बढ़ा वहां डिमांड तो कम करनी है, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डिमांड कम होने के, जरूरी नहीं है प्राइस ही हो, जैसे फैशन में नहीं होता, आपने माइक्रो में पढ़ा था, मैं कहां डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है तो आप माइक्रो पढ़ लीजिए। डिमांड अगर किसी चीज की कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा प्रोड्यूसर वो कम कर देगा, उसकी श्रिंक हो जाएगी। सो जो एक्सपर्ट होते हैं वो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप कुछ एडॉप्ट करो जिसकी वजह से आने वाले समय में डिमांड जो है बढ़ जाए, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो होता है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक की रिलेशन की वजह से दूसरे पे भी इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है ना। तो वो एक्सपर्ट है जो बताते हैं इस चीज को और गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं। नंबर थ्री, इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। अगर हम इसकी मीनिंग को समझ लें तो बहुत आसान होगा हम लोगों को उसको समझना। देखो इंटरसेक्टोरल मतलब सेक्टर की बात हो रही है, सेक्टर आप लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं। इंटरटेम्पोरल मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करना। अब जैसे इसका मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए शॉर्ट में एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि कंपैरिजन किसी भी चीज में हो सकता है, जैसे बर्थ रेट को हो गया लेके डेथ रेट का हो गया। मैंने यहाँ पे तो फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट कर लिया है, क्योंकि यह हमें देखने को बहुत ज्यादा मिल रही है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन अभी चल रही थी पीछे, अभी भी देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है हमारी कंट्री के अंदर। तो मैंने बहुत अच्छा मुझे लगा एग्जांपल, सो दैट मैंने यहाँ लिया अनएम्प्लॉयमेंट का। अर्बन एंड रूरल कंपैरिजन किया, गांव और शहरों में की स्टडी की कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कितनी है, फिर उनको कंपैरिजन कर दिया, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं
टाइम के अकॉर्डिंग और सेक्टर के हिसाब से, और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बर्थ रेट, डेथ रेट का दिया, एरियाज का ले लिया, जैसे अर्बन एंड रूरल, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कंपैरिजन होता है, वो भी एक्सपर्ट करते हैं। नंबर फोर, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, ये क्या होता है, ये भी एक्सपर्ट के थ्रू होता है। जैसे कि कुछ पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट की जाती है मेकिंग पॉलिसीज, जैसे इसमें मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का लिया, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे इसका एग्जांपल लिया मैंने, कि वो डिसाइड करेंगे कि अगर टैक्सेस बढ़ रहे हैं या टैक्सेस कम हो रहे हैं तो कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए, कैसे इसको करेक्ट करना, तो मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती है, मतलब पॉलिसीज बनाना तरह तरह की। तो हम लोग समझ गए हैं इसके इम्पोर्टेंस को। अब आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि इम्पोर्टेंस हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि ये एक्सपर्ट ही कर सकता है ये काम, हम लोग कहाँ करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली जो उनको पूरा स्टडी होता है, हम लोग भी अब कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो आगे हम लोगों के काम जरूर आएगी ये, ठीक है। तो मैंने पूरा चैप्टर ऑल ओवर फिनिश कर दिया, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी लिख के रख सकते हैं, मैं उसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।